उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय खेलों की तिथि घोषित कर दी है। 25 अक्टूबर को प्रस्तावित IOC की आम बैठक में इनका पूरा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों के साथ ही राज्य में शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में IOC अध्यक्ष PT उषा से मुलाकात की, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रीय खेलों की तिथि सार्वजनिक की गई। CM ने राष्ट्रीय खेलों की जिम्मेदारी के लिए PT उषा का आभार जताते हुए उन्हें बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन के लिए आने का निमंत्रण भी दिया। सरकार लंबे समय से राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों में लगी हुई है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रमुख तैयारियां पूरी कर ली हैं। तिथि तय न होने के कारण जो कार्य लंबित रह गए थे उन्हें भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। आयोजन की भव्यता में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रदेश हित में एक बड़ी खबर आई है और मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस नवरात्र के समय में हमारा प्रदेश जो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा था, आज ही भारतीय ओलंपिक संघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक घोषणा जो तिथि के संदर्भ में होनी थी आज औपचारिक तिथियों की घोषणा हो गई है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक हमारे राष्ट्रीय खेल जो है वो आयोजित होंगे। निश्चित रूप से हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए, हर उत्तराखंडी खिलाड़ी के लिए बहुत गर्व के क्षण होंगे। मैं प्रदेश को इस घोषणा के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश में इस 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी को बेहतरीन करके दिखाएंगे और एक ऐतिहासिक आयोजन जो है ये आने वाले समय में होगा, ऐसा मैं विश्वास के साथ पूरे उत्तराखंड के अपने उत्तराखंड के भाई बहनों और हमारे खिलाड़ियों को कहना चाहती हूँ।